नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। पंडित चंद्रशेखर शर्मा हूं। पंडित चंद्रशेखर, सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज दिनांक है 29 अगस्त 2023। दिनांक है 28 अगस्त 2023। चल रहा है श्रावण मास, राशि चल रहा है श्रावण मास से की आज की त्रयोदशी ऋतु है। आज का वार है मंगलवार है और आज का वार है बात करें तो श्रवण नक्षत्र दोष 11:50 तक है। नक्षत्र की धनिष्ठा नक्षत्र दिन और रात योग का शोभन है। रात्रि 1:50 योग आयुष्मान है। सुबह 9:55 योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है। योग की दृष्टि से आज का दिन पूरा पूरा सदुपयोग कीजिए। इसका पूरा पूरा करण तैतिल है। दोपहर 2:50 शाम 6:24 तक आगे तैतिल करण। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:04 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:51। आज का राहु काल दोपहर बाद का राहु काल दर्शकों सुबह 7:30 से 9 बजे की बीच रहेगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:02 से 12:53 की का स्मरण करें। दिन में दो बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिए। योग कारक बन ये है सुबह 8:37 अभिजीत मुहूर्त सुबह 9:12 से 12:00 का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में चार बार कोशिश तो ये करें उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें और सूझबूझ से टाल दीजिए। जरूरी है वारी यात्रा है दोपहर 12:53 परिहार 44 मिनट दोपहर बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए 5 मिनट 5 कदम पीछे चलिए 18 दौरान यानी जब आज का दिशा से तो भगवान श्री राम से अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और इस दिशा की यात्रा जरूरी है। अनिवार्य यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। दिशा शूल आपको परिहार बहुत सरल है, बिल्कुल नहीं करेगा। कीजिए दर्पण में अपना आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है क्रिया करें तो 9:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक प्रार्थना कीजिए। कोई भी दिशा की यात्रा की इस समय में करेंगे तो सफलता प्राप्ति और दिशा शूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यात्रा के विचार भी आ सकते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों सावधानी बनाए रखने का 40 मिनट तक आगे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कर्क राशि वाले सभी 12 राशि के जीवन में रहने वाला है मोटे मोटा मेष राशि की। वही सिंह राशि वालों को कार्यालय में वर्कलोड ज्यादा मिलेगा, हालांकि लेकिन बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, लेकिन आप अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे। और कन्या राशि वालों को छात्राएं हैं उनको अवसर मिलेंगे लेकर आज अच्छी जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तुला राशि वालों को मिथुन राशि से संबंधित समस्या और भावनात्मक पीड़ा आज दुर्घटनाओं के प्रति है विशेष सचेत रहना। वृश्चिक राशि वालों के कर्क राशि वाले अभाव वैवाहिक जीवन में संतुलन की कमी महसूस करेंगे। वही धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज बाधा से कोई बात आपकी तरह से निकल जाए और राशि वाले को हानि पहुंचाए उनके लिए योग कारक दिन मकर राशि वालों को राशि वालों को आएगा ख्याल प्रॉपर्टी खरीदने का या जीवन साथी का साथ आपको और वृश्चिक राशि वालों को किसी कुंभ राशि वाले जो मशीनरी या वाहन से संबंधित किसी धनु राशि वालों को धन लाभ होगा आज व्यापार करने में सावधानी को लेकर और मीन राशि वाले किसी ठोस व्यापार मकर राशि वाले आज भीतर से अकेलापन खालीपन महसूस करेंगे और होंगे परेशान। दर्शकों आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को प्रज्ञा को जागृत लाभदायक आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को और मीन राशि समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते रहा। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा पर जो और समाधि अंतर्दृष्टि को प्रज्ञा को जागृत करेगी। दर्शकों निंदा और समझेंगे दोष दर्शन की आदत बहुत बड़ा पाप बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बनाना संभव ही नहीं। अंत में करेंगे आज क्योंकि हम जिस भी नाम वस्तु गुण का अधिक से अधिक चिंतन करते हैं दर्शकों एक बहुत ही सुंदर दोहा है कबीरदास जी का आगे चलकर वो हमें मिलती है और लौकिक इसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो ऐसे में दोष दृष्टि रखने वाले लोगों में वो दोष भी आ जाता है जिसके बार बार बातें करते पूरा बूढ़ा जिसके हम चुगली करते हैं निंदा करते हैं कि उसमें ये खराबी है उसमें खराबी है वो खराबी हमें आने लगती है वो कुछ ना कुछ मलमल और गुणी वही है करने वाला दोष दृष्टि से मुक्ति मेरे पानी में जाता है। जैसे की एक कथा कुछ लेकर युधिष्ठिर और दुर्योधन से भी लोग होते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किनारे पर एक अच्छा व्यक्ति जीवन में खोजिए भी कुछ न कर पाते युधिष्ठिर जी को बुरा व्यक्ति सांसारिक अर्थों में और दुर्योधन को वही सफल नहीं मिला लाइफ में माने कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही सब दिखने लगते जो कर गुजरते हैं पर जो देखन मैं आत्मिक अर्थों में मिला तो आप में से कितने जन ऐसे हो जो रोजाना सोचते बुरा ना कल से पूजा पाठ की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि दोष दृष्टि से बचे लेकिन देखने की आदत कुछ भी नहीं है वास्तव में किनारे पर बैठे रहेंगे विकसित कुछ पाना है
तो गहरे में उतरना होगा, चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं, और जिसे कॉल करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें सफलता की ओर अग्रसर आप असफलता अर्चनों को सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है, दृढ़ता का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज बंदरों को सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन लिया और गुड़ खिलाएं, तो जिन जिन का दोपहर 12:30 बजे के बाद लोग भगवान के दूध का शहद जल मिलाकर और मसूर की दाल से अभिषेक करें और रात्रि में आज का एक अनार मंदिर में बैठ पान और इसके साथ ही 27 माला राम नाम की करके उसका 11:11:11 इस प्रकार के अनुपात में पितृ शांति का आशीर्वाद बजरंग बाण और हनुमान दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में पुत्र का पाठ करें, बच्चों में फिर आने वाला वर्ष देखिए कितना सुंदर रहता है, जरूर विशेष शुभ रहता है, मिठाई बांटेंगे आपके साथ हमेशा बनी रहे, सुंदर योग कारक बीतेगा, ऐश्वर्य ऐसे दर्शकों बहुत बार जीवन में ऐसा लगने ऐसे दर्शकों जो लोग ग्रह पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, हो चुके सब तरफ से कहें किसी नेगेटिविटी के चलते व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं, या मानो कि किसी ने ईर्ष्या के चलते हमारा व्यापार बंद सा दिया, अगर आप फंस चुके हैं ऐसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो और शुरू कीजिए बहुत ही विशेष 11 दिन लगातार अपने व्यापार स्थल शिवालय जाएं, तो आप स्वयं करें या किसी पूजन करें, भगवान से करवाएं, कच्चा दूध इत्र देखें, चमत्कार का जल अर्पित करें, और ना सिर्फ ये है कि 11 माला इस मंत्र का जाप श्लोक की करना, देवी माँ के चित्र के सामने कुछ ही दिनों माता के चित्र के सामने घटित होंगे या यंत्र के सामने करें, जाएगा कि भगवान सर्वाधिपे सर्वदा सर्वाधा त्रिलोक्याखिलेश्वरी शंकर श्लोक है, 11 माला जाप करें और 11 माला जाप के बाद में 108 ऐसे ही कर्जे से परेशान के अंत में स्वाहा लगा के कपड़े में जो हवन सामग्री रहेगी वे गुलाब लें, इस प्रकार रहेगी चांदी का तार लें, थोड़े सूखी नीम की पत्तियां, थोड़ा सा गुड़, असली लोभन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर राई काली मिर्च तिल सरसों बारी बारी सारी धूप कपड़े में रखते जाएं, आपको बहुत ही आसानी से रखते समय दुकान पे मिल जाएगी, दारिद्र दुख सारी सामग्री से आप लीजिए आहुति और 11 दिन बीतते बीतते आप देखेंगे 54 बार पर जितने भी नकारात्मक कपड़े को पोटली के रूप में पकड़े गए हैं और कहें जो आपका काम धंधा है वो मेरी दरिद्रता का अंत की ओर बढ़ने से मुक्त करवाइए, ये अमोघ ठीक उपाय है कर दें, देखिए बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेगा, रियाज से शुरू करके 7 सोमवार से दर्शकों अगर आपके भाग्य के राशि रूप से और बंद लगने लगे, कर्जा भी चुकेगा, आय के साधन बनेंगे, बस होते होते रुक जाते हैं और जीवन में जो सफलता का प्रतिशत है, दर्शकों जिन लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना हो या वो लोग जो पब्लिक स्पीकिंग करते हो या पूरे तन मन धन से भगवान शिव जी की शरण लीजिए, जिनको नित्य ब्रह्म मुहूर्त में शिवालय जाना शुरू कर दिए, 11 माला शिवालय में चार से पूरे शिव परिवार का पूजन करना शुरू कर दें, प्रार्थना कीजिए कि आपके कष्टों का शीघ्र से शीघ्र निवारण हो, में चमत्कृत रह जाएंगे, बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 5 माला पढ़ता हुआ मंदिर में बैठ के आपको जाप करना है, कम से कम सवा महीना आप ये करते रहे, सवा महीने से पहले ना छोड़ें, फिर जो प्रभाव उत्पन्न होगा तो आप स्वयं उस प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे और चमत्कार इस प्रकार ध्यान से समझिएगा, ओम सर्व भावाय, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, सर्व भावाय हराय, बात करते हैं आपके सवालों की, आपके सवालों में आज हमारे पास मंत्र को और उसका बारे दर्शक अभिनव यादव देखेंगे कि कैसे 12 अगस्त 2004 सफलता की मैंने मार्क खोले 9:08 दर्शकों ये थे आज वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं, यानी निवास करते हैं आपके सवालों मालिक और आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है, हमारे दर्शन राकेश यादव बारे भाव से बन रहा है 25 मार्च 1986 वहाँ काम धंधे के प्रश्न किया विदेश जाकर सेटल होने की योग बता रहेगा, इसके लिए देखिए राकेश जी आपके लग्नेश दशमेश एक ही ग्रह है बृहस्पति, समस्या न आए ये बार बार आप जीवन में तरक्की करें, तो इसके लिए आप मंगल के साथ विदेश जाने वहाँ काम करने का जो तो बनगा पहन लीजिए, इसी गुरु ग्रह के साथ की दूसरी पत्रिका ये हमारे पास हमारे दर्शक यानी कि प्रकाश स्थान के स्वामी है, तो ये भी तय है कि आप जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर काम करेंगे, आपका भाग्योदय भी विदेश में होगा बहुत रहती है, और इस बात को सत्य कर रहे हैं जी मिथुन लग्न स्वामी शनि सिंह राशि जो आपके भाग्य भाव में बैठे गणेश अस्त है, विदेश सेटल होने का योग जो है चतुर्थ में राहु जुलाई से दो कारक मंगल की दिशा में बनेगा, पंचम नाम निश्चित रूप से जाएंगे, सिर पर शनि की आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है अरुण शर्मा जी की, आप 23 जनवरी 1993 का जन्म है, 8:55 शुक्र के साथ साथ गुना जाप करवा लीजिए, पूछा है मंगल राहु
भी उपाय बता लीजिए। साथ ही साथ अरुण जी आपका माला लग्न है, मेष राशि है, लग्न शनि और भाग्य शुक्र दोनों 12वें भाव में बैठे हैं, जो स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि आपका भाग्योदय ये था विदेश में जाएंगे दूर जाकर पाए तो और ज्ञान की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ याशनि के साथ बताए उपायों को और राहु की शांति करवा लीजिए तो आपका श्रद्धा के साथ जो है पूरा पूरा सितंबर सन 2026 और जो ज्ञान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अवसर को ये था आज का पंचांग आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान में सत्य में चंद्रशेखर शर्मा याशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को देव से सही विधि सटीक समय और हमारे श्रद्धा के साथ करके पूरा पूरा लाभ के कष्टों का निवारण जो ज्ञान चर्चा हमने की जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारें और आनंद में भगवती इसकी सेवा देव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य हो और कष्टों का निवारण निश्चित रूप से हो। साथ ही निवेदन की श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और प्रकृति भगवती की सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रीति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहाँ पर आप और हम हर रोज और प्रकार के जरिए जानते हैं कि आज के दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रीति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ तो न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहाँ पर आप और हम और इसके लिए आप जानते हैं कि हम एक से लेकर नौ दिन कैसा गुजरने वाला है। हम यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है आपके लिए यदि किसी प्रकार का है आपका हर्डल है या एक उदाहरण देकर आपको बताना सिचुएशन हमें नजर आ रही है तो किस प्रकार हम यानी कि 16 से उसे ओवरकम कर सकते हैं तो 1 और 6 का जब आप जोड़ते हैं जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की हम रीडिंग करते हैं और कौन सा होगा आपका मूलांक तारीख है 28 अगस्त 2023 हमारे कार्यक्रम का नया ज्वाइन किया है तो उदाहरण देकर आपको बताना चाहिए 2 और 8 को जब हम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है नंबर 10 की 16 शून्य को हम नहीं लेंगे हम 1 नंबर को लेंगे तो आज की जो तारीख है मूलांक है नंबर 1 और आज की तारीख है सूर्य 29 अगस्त 2023 सूर्य जो है वो है एनर्जी का सोर्स को जब हम भंडार है ऊर्जा का नंबर जब भी कभी आपको किसी भी दिन ऐसा प्रतीत हो कि आप बहुत ज्यादा डल फील कर रहे हैं तो आज की जो क्या करना है छोटी सी टेक्निक बताती हूँ कि जो आपकी सूर्य नाड़ी है जिसके स्वामी मैंने आपको बताया है चंद्रमा पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी जो है हमारी साइकिक को बार बार क्या करना है अपनी चंद्र नाड़ी को आपको बंद करना है और सूर्य नाड़ी से चंद्रमा का इंपैक्ट छोड़ना है। जैसे चंद्रमा की कलाई बदलती है बहुत अधिक समय के लिए धरती पर रहने वाली हर एक जीव पर आप विशेष तौर पर लिक्विड होगी और आपकी जो बॉडी है जानते हैं मूलांक के लिए हमारे हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक एक के लिए आज 28 अगस्त 2023 छोटा सा उपाय बताइए अगर आप और मूलांक के स्वामी हैं सूर्य आज की तारीख अगर आपको लग रहा है कि आप अपने मूलांक को नहीं संभाल पा रहे कहा जा रहा है सबसे सिंपल काम आपको क्या करना है जा रहा है कि आज ज्यादा से ज्यादा पानी आपके समक्ष आ सकती है जब आप इमोशनल हो ज्यादा से ज्यादा पानी मैंने तो ये किया था और उसके बाद जब आप किया था लेकिन मुझे मेरी बात ज्यादा नहीं जा रहा है ना कि फील होगा द्वंद सा चलेगा कि मैंने सही किया है लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर या रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है सबसे छोटा और आसान उपाय है। साथ ही अगर आपके घर में कोई मेहमान बंद कर दीजिए तो आज के दिन दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं लगानी है और खुद से भी किसी प्रकार का ऐसा कोई वादा नहीं करना। फॉर एग्जांपल वादा किस प्रकार का बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं गलत नहीं की फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और जानते हैं कि माँ भावना है ना आज क्या गाइड कर रही है मूलांक एक के लिए जरूरी नहीं है कि और सही हो तभी के लिए कार्य में आप आगे बढ़े सही जा रहा है लोग आपको प्रदर्शन कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं वाह बहुत अच्छी बात है आप सही कर रहे हैं जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग जबरदस्त कार्य है मूलांक के लिए कार्य कहा जा रहा है बिना दूसरों के जो आपकी जवाब की एक्सपेक्टेशन लिए यानी कि अब मेरी तारीफ होगी अंतःकरण की जो आपकी आवाज लोग जो गुपचुप तरीके से अपना कार्य करते हैं वही निश्चित ही सफलता उनकी बनेगी है। तो आज का दिन आपको अपने आप को जज करने से दिमाग लगाने का नहीं है बाहरी लोगों पर दिमाग लगाने का नहीं कहीं ना कहीं इसका मतलब है आइए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें हमारे एंजल्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त के लिए की आवाज सुननी है और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है अगर आप किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में भी अगर आ जाए
कर्म को कहा जाता है। तो कैसे बाहर निकलना है कि सन और मून प्लैनेटरी सिस्टम के सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है और देखिए दोनों के ही आज जो है अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है पीस की गाइडेंस आ रही है मूलांक से क्यों ना हो कहीं पर भी अगर आप आज जा रहे हैं कि आज किसी भी प्रकार शांत हो जाए पूरा ध्यान से आपको फोकस करें और लोग आपकी तारीफ करें ना करें इससे आपके कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जानते हैं मूलांक दो के लिए अपने आप को आज नहीं करना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रही हूँ अपनी तारीख अगस्त 2023 ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बल्कि और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है करने की जरूरत है काफी समय बाद मूलांक दो के जातकों के लिए ऐसे भावों में ऐसे मन की कृपा विचारों में नहीं उलझना है जो कि आपको आपके ट्रैक से भटका दे कुल मिला के फोकस होकर काम करें शांत रह के काम करें संपन्नता सही गलत का फैसला मिला के आज का जो दिन है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आइए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल्स और एंसेस्टर्स मिलेगा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक तीन के लिए आइए जानते हैं मूलांक तीन के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 28 अगस्त 2023 के लिए कहीं ना कहीं हमें गाइड किया जा रहा है वास्तविकता काली का कार्ड है माँ काली की कृपा जैसे आप मूलांक तीन के जो चाहते हैं बनी हुई है माँ की कृपा इतनी अत्यधिक है कि विचारधाराओं में परिवर्तन परास्त होंगे आप उनके सारे जो षड्यंत्र हैं वो आज जो है फेल हो जाएंगे और माँ की कृपा से ही आज आपके जीवन में ही दिला पा रहा जो आप जा रहे हैं आप क्या करना होगा ऐसी चीज आपके जीवन से जाती दिखाई दे रही है जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी प्रकार के ऐसे विचार जो बार बार करने पर है जो ऊपर से बार बार करने पर जो प्लानिंग है अगर एक ही प्लान की सफलता नहीं मिल रही है तो प्लान बी का उपयोग कर लेना भगवान पर भरोसा करना बहुत जरूरी है माँ भगवती पर काली पर आइए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं और मूलांक चार के लिए हमें गाइड किया जा रहा है और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है मूलांक चार के जातकों को कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है तो आपको अपने स्वास्थ्य आज आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ आज विचार करने वाले हैं मदद करने वाले हैं अगर आप कोई काम अटका हुआ है विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल गवर्नमेंट बॉडीज में अगर आपको कोई काम अटका जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं सहायता करने वाली है वो महिला अपने प्रोफाइल के मुताबिक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हो सकती है आपका जो टैलेंट है वो लोगों के समक्ष आएगा तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अच्छा है बहुत ही पॉजिटिव भी मिले वेलबीइंग का है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कार्य के बीच में आपका दिन शुभ आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें माँ भगवती आज 28 अगस्त 2023 मूलांक पांच के लिए और मूलांक पांच के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अगर आपको किसी फ्यूचर का कार्य का कोई भी निर्णय लेना है कोई महत्वपूर्ण काम करना है लक्ष्मी की कृपा आप रुक जाइए सही समय का इंतजार हुआ आज के दिन आपको पैसे के लेन देन में भी सावधानी बरतनी है और कहीं पर भी आप किसी भी दस्तावेज का अगर सिग्नेचर करना कोई किसी को पैसा उधार दिया हो आज का दिन भी अच्छा है लेकिन किसी भी प्रकार के नए कार्य के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए विशेष तौर पर पैसे का रहने वाला है और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ भी आइए जानते हैं मूलांक छह के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 मूलांक छह के लिए और मूलांक छह के लिए हमें कहा जा रहा है प्रोटेक्शन गार्डन 2023 के लिए जा रहा है कि कई बार मूलांक छह के लिए हमें गाइड किया जा रहा है को लेकर कि क्या होगा आगे कैसे जीवन चलेगा है आप परिवार जा रहे हैं बहुत संतान सिक्योरिटीज आपके मन में रहती हैं शुभ समाचार और इसके लिए आप निरंतर प्रार्थना भी करते हैं साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो जूनियर्स हैं वो सुन लिया है फिर ऐसे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं साथ काम कर रहे हैं आज के दिन विशेष तौर पर आपको क्या करना है कि आपके आपसे जूनियर डर ही ना कहीं आपको आज उनका सम्मान करना है आपके अंदर है उनकी बात को तवज्जो देनी है अपने घर परिवार में भी छोटे और बेफिक्र होकर काम आगे विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्या पता मुक्त कीजिए क्योंकि जितना ज्यादा भय मुक्त होकर आप काम करेंगे का उतना ही अधिक आप तलाश आप कई दिनों से बढ़ जाएंगे लेकिन कहते हैं ना छोटे बच्चों की बात पर या जूनियर्स की बात को कोई जानते हैं मूलांक सात के लिए हमारे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये बच्चे रहे हैं इन्हें आप केवल बच्चों के रूप में ना लें कहीं ना कहीं डिवाइन इनके माध्यम से मूलांक सात के लिए हमें कहा जा रहा है
ड्रम का कांड है मुलाहा जा रहा है के लिए हमें मां भगवती आज क्या अगर आप कर रही हैं व्यवसायी हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आज कितना मुलांक प्लानिंग के लिए हमें ध्यान देना जा रहा है क्योंकि जितना अधिक बेस्ट आपका प्लानिंग कार्ड होगा उतना ही अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। आज का दिन जो पूरा आपका जाएगा वो चीजों को मैनेज करने में जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्टिविटी पर जाएगा, विद्यार्थी कॉलेजों की जो हमें परीक्षा रेगुलर पढ़ाई की बात कर रहे हैं बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं गढ़ने करेंगे और कुल मिलाकर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी प्राप्त होगी और आपको ऐसी गुड अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होंगी जो आपको आप नई नॉलेज देंगे और साथ ही साथ आपकी प्लानिंग में आपकी सहायता करेंगे। बिना प्लान के कोई काम करेंगे तो फिर आपका नुकसान आप देखिएगा और आज के दिन बहुत जरूरी है कि जो भी कदम आप आगे बढ़ाएं उसकी प्रॉपर प्लानिंग का काम करेगी। अगर किसी प्रकार की सिचुएशन में भी आज आप आइए जानते हैं लोग आपसे प्रभावित होंगे लेकिन आज क्या कहा जा रहा है कि 28 अगस्त 2023 नॉलेज आपके पास और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पीस कीपर का एक उदाहरण के तौर पर। अगर आप तीसरी बार रिपीट हो रहा है आप बच्चों के साथ शेयरिंग आज की एनर्जी है क्योंकि सन एनर्जी है ना चाहे सन एनर्जी ऑटोमेटिकली लेकिन कह रहे हैं जो मॉरल वैल्यू जैसे एक उदाहरण के तौर पर ग्लास मान लो आधा खाली है अपने फोर्स के अंदर आज के दिन की ऊर्जा परिवार में ज्यादा पावरफुल एनर्जी है कि बच्चों के आधी भर ले रही है तो बैलेंस कर जाएगा। विशेष करके ग्लास अगर जो कि जल मोस्ट भरा हुआ है और हाई एनर्जी उसके अंदर आएगी तो क्या होगा ओवरफ्लो करेगा टंकी खाली नहीं कुल मिलाकर इसी प्रकार की ऊर्जा आज जो है वो दिखाई दे रही है। मूलांक 8 के जातकों की कहीं ना कहीं आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए मां भगवती ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं आपके भीतर एक प्रकार का ईगो है जो कि मैं ये नहीं कह रही हूं सिर्फ नेगेटिव होगा हो सकता है पॉजिटिव ईगो भी हो जो कि कहीं ना कहीं अपने काम को बेहतर बनाने के लिए लेकिन आज वो एनर्जी डिमांड हाई हो जाएगी कि आपके लिए आपको उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आसपास के कहा जा रहा है कि बेचैन ना हो हड़बड़ाए नहीं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें अगर आपको ऐसा लगता है केवल और केवल बड़ी ही शांति के अनुसार या काम पर किसी भी प्रकार की कहते ना समय जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा हमारे व्यक्ति के चार सर्विस आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 के लिए कहा जा रहा है आप बाहर फिर से पीस अपने माइंड को माइंड आज का जो अगर आपको लगता है कि आप जहां पर भी काम करते हैं बस वो यही कह रही है कि शांति बनाए रखे मूलांक 9 के जातकों के लिए कहा जा रहा है कि आज की जो एनर्जीज है नहीं स्वाभाविक सी बात है मूलांक 9 तो वैसे भी मंगल का है जिसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा अधिक कुछ बेहतर करना चाहते हैं और ऊपर से सूर्य की ऊर्जा भी मिल जाना है कुल मिलाकर आज का दिन जो है वो शांति बनाए रखने का है किसी प्रकार की हड़बड़ी ना करें किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में कोई निर्णय भी ना लें आपको मिलेंगे कोई अगर महत्वपूर्ण कार्य करना है तो टीम में करें सो दैट जो आपकी जो एनर्जी है वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर अकेले अपने ऊपर जाते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही है एनर्जीज है वो क्रोध के जरिए फ्रस्ट्रेशन के जरिए मूलांक 9 के लिए हमसे क्या कहा जा रहा है थोड़ा सा ध्यान करें और एक मी टाइम भी कह रही है कि आज की जितना बहुत ज्यादा दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी एक से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्थ रहें और आज नो डाउट आज जितनी ज्यादा कुछ पावरफुल आ रही है ना उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी थोड़ा सा फील करेंगे कि आपको अपने घर होना चाहिए आपको अपने दोस्तों के विश्वास होना चाहिए आज कुल मिलाकर आप विजुलाइज करना बहुत जरूरी है श्वास को आते जाते जरूरी है बहुत जरूरी है कि आज आप समय से खो जाए उसी में दोस्तों आप सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो एनर्जीज हैं वो ऐसा ही कुछ करती दिखाई दे रही है किसी भी प्रकार की आज एनवायरमेंट जहाँ पर की वाद विवाद हो रहा हो या ऐसी कोई जगह जहाँ पर की विचारों में जो है वो एक्सेप्टेंस ना हो वहाँ से आज आपको दूर रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में पंडित चंद्रशेखर शर्मा और अपनी वाणी पर दर्शकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 28 अगस्त 2023 हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग श्रावण मास से शुक्ल पक्ष वर्षा ऋतु है तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है सोमवार आज प्रदोष का व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और रात उत्तर शाडा नक्षत्र रहेगा। योग आयुष्मान है सुबह 9:55 तक आगे सौभाग्य योग है तो योग की